हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में हमने माइक्रोफोन्स के बारे में पढ़ा था, माइक्रोफोन्स कितने टाइप्स के होते हैं और इसकी यूजेस क्या है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल कैमरा और वेबकैम। अगर आपको जानना है कि डिजिटल कैमरा और वेबकैम होता क्या है, तो बनी रही इस वीडियो के एंड तक। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं डिजिटल कैमरा क्या होता है। फ्रेंड, डिजिटल कैमरा एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, इसे आप डिजिटल डिवाइस भी कह सकते हो। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, जो इमेजेस होते हैं, फोटो होता है उसको कैप्चर करता है, और जो वीडियोस होता है उसको रिकॉर्ड करता है। पर ये सब काम डिजिटली होता है, और जो भी रिकॉर्ड होता है या कैप्चर होता है इमेजेस, उसको हम सेव करते हैं मेमोरी कार्ड में, जो हमारे कंप्यूटर पे या हमारे मोबाइल्स में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल कैमरा यूज़ किया जाता है फिल्म शूटिंग में या मूवी शूटिंग में, वो कैमरा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल कैमरा, जो हम नॉर्मली मूवी के अलावा काम करते हैं, जैसे फ़ोटो क्लिक करते हैं, इमेजेस क्लिक करते हैं, कैप्चर्स करते हैं, तो ये फोटो सेंसर चिप होता है उसके थ्रू होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर कोई भी कैमरा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, उसे भी हम डिजिटल कैमरा कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि डिजिटल कैमरा में इमेजेस कैसे बनती है, ये फ़ोटो कैसे बनती है? फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होता है कि जब भी हम किसी फ़ोटो को क्लिक करते हैं, तो फ़ोटो से एक लाइट आती है, वो लाइट हमारे लेंस के थ्रू कैमरे में एंटर करती है। इस लाइट को कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे ही हमारे कैमरे में ये लाइट पहुंचती है, तो क्या होता है, ये जाके फोटो सेंसर पे जाके टकराती है। तो फोटो सेंसर में बहुत सारे सेंसर होती है, ये सारी सेंसर्स में के क्या करती है, इलेक्ट्रिकल करंट रिटर्न करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करके ये रिटर्न करती है, दोबारा लौटा देती है। तो यही जो इलेक्ट्रिकल करंट है, यही इमेजेस बनाने के लिए उपयोग होता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह डिजिटल कैमरा में इमेजेस बनती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, जो कि है वेबकैम। आप लोगों ने शायद सुना है वेबकैम क्या होता है। फ्रेंड्स, वेबकैम ये एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। ये जो कैमरे की तरह ही होता है, डिजिटल कैमरे की तरह होता है, पर पूरी तरह से आप डिजिटल कैमराज को नहीं कह सकते हो। ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लाइव स्ट्रीम करने में, जैसे कहीं किसी के साथ वीडियो कॉल करने में, या लाइव पे किसी भी चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचने में ये हमारी बहुत मदद करता है। फ्रेंड्स, जो भी कैमरा हमारे कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, यह कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होता है। कंप्यूटर में मतलब लैपटॉप में आपने देखा होगा, उसमें इनबिल्ट कैमरा होता है, या आप देख सकते हो कि कई बार कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू कैमरा कनेक्ट होता है, तो इनको क्या कहते हैं, वेबकैम कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वेबकैम का यूज़ किस लिए किया जाता है? वेबकैम का यूज़ इसलिए किया जाता है कि ताकि हम पिक्चर्स ले सकें इससे, और वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इससे पिक्चर्स और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इससे जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस और पिक्चर्स होती है, कहाँ पर स्टोर होती है, कंप्यूटर में जो भी मेमोरी कार्ड होती है उसमें स्टोर होती है। और जब भी हमें इसका कुछ भी यूज़ करना है, पार्ट हमें कुछ देखना है, कौन सा पिक्चर्स हमने लास्ट टाइम क्लिक किया था, क्या है, ये सब हम मॉनिटर के थ्रू इसको व्यू कर सकते हैं, जो भी कुछ हम पिक्चर्स लेते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि जो वेबकैम है वो डिजिटल कैमरा है, वो दोनों सेम टाइप के ही वर्क करते हैं, पर ये दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारे वेबकैम होती है, ये कॉम्पैक्ट इमेजेस मतलब स्मॉल साइज के इमेजेस लेने में हमारे मदद करती है, जिसको हम अपने फ्रेंड्स के साथ और इंटरनेट पे, वेब पेजेस पे इजीली हम इसको शेयर कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। सो फ्रेंड्स, इसीलिए वेबकैम थोड़ा डिफरेंट होता है डिजिटल कैमरा से। सो फ्रेंड्स,
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।